गुड मॉर्निंग, आइए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका है। तो ये तीनों जो सम है होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि ये होमोजीनियस है। तो रूल बोलता है कि उसकी डिग्री अगर सेम होगी तो होमोजीनियस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए y का पावर कितना है, 2, x का पावर 2 और नीचे x इंटू वाई दिया है। x इंटू वाई मतलब यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1 ऐड कर देंगे तो वो भी 2 ही होगा। तो इसकी डिग्री, सबकी डिग्री 2 है, होमोजीनियस है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे 1, 3 है, तो ये भी होमोजीनियस है। x का पावर 1, y का पावर 1, 1 1 2 होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसकी भी डिग्री 2 है, मतलब ये होमोजीनियस है। सेम डिग्री रहेगा तो होमोजीनियस होता है। लेकिन बनाते कैसे हैं, नियम बोलता है कि अगर कोई सम होमोजीनियस होगा तो अगर उसकी डिग्री सेम होगी तो उसके बनाने के लिए सबसे पहला काम करते हैं वाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव होगा जस्ट डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पुट कर देंगे, हर सम में डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट कर देंगे, और डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो वहाँ पर लाना पड़ेगा। तो वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x है, वाई को हटा के वी एक्स लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, प्योरली वी के साथ डी भी रहना चाहिए और x के साथ डी एक्स रहना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ये हर जगह इसी तरीके से बनाया जाता है, बनाया जाएगा, उसको यहाँ पे ध्यान देना है। तो एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये वी है और यहाँ भी ये भी है, इस भी को उधर भेज देंगे, माने प्योरली भी के फॉर्मेट में ही लाना है। तो ये हो गया 2 भी, तो माइनस भी हो गया। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 भी, तो ये हो गया भी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 भी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको उस साइड में भेज दिए, ये चला गया, ये हट गया, तो यहाँ पे आ गया एक्स डी वी बाई डी एक्स, और उस साइड में आया भी स्क्वायर नहीं माइनस 1 और माइनस भी स्क्वायर, बाई कितना आ गया 2 भी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस भी स्क्वायर और ये हो गया 2 भी। अब यहाँ पे डी भी है वहीं रहने देंगे, इसको इधर बुला लेंगे, तो ये हो गया 2 भी और ये हो गया 1 प्लस भी स्क्वायर और डी भी, तो ये माइनस वहीं रहने देंगे, डी एक्स को उधर भी देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स को इधर कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो नियम बोलता है कि नीचे कोई फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो लॉग लिख दो, तो भी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 भी, तो मतलब लॉग लिख देंगे। लॉग लिखते समय यही सावधानी रखना है कि मॉड में लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस ये भी मॉड में लिख देंगे, ये सारा लॉग में है, तो ये भी हम एक काम करते हैं लॉग में लिख देते हैं। अब ये नेगेटिव है, इसको इधर भेज देंगे, सुविधा रहेगा, तो पॉजिटिव में आ जाएगा भी स्क्वायर मॉड में लॉग एक्स, ये भी मॉड में, और यहाँ पे हमने के ले लिया, ये कांस्टेंट है, बगल में लिख देंगे। और नियम बोलता है कि अगर लॉग प्लस में हो तो इंटू में हो जाएगा, तो 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू एक्स, ये बंद हो गया और यहाँ पे हो गया लॉग के, लॉग लॉग हट गया तो बच गया 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू एक्स के। अब भी का वैल्यू डाल देंगे, भी का वैल्यू होता है वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू के, अब फिर सॉल्व करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटू एक्स इक्वल टू के, एक्स और एक्स कट गया, इसको एक्स को उधर भेज देंगे, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया के एक्स। ये हमने बॉक्स बना दिया, ये मेरा फाइनल आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। तो याद रखना, पहला काम है कि चेक करना होमोजीनियस है कि नहीं, दूसरा काम है वाई इक्वल टू वी एक्स करना, तीसरा काम उसका डेरिवेटिव निकालना, चौथा काम है डेरिवेटिव को हटा के ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना, फिर इस भी वाले को उधर ले जाना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, ये पूरा भी के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो भी वाले को इधर बुला लेंगे जहाँ पे डी वी है,
तो ये ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और ये ऊपर वाला यहाँ पे नीचे आ गया और ये नीचे डी एक्स था तो ऊपर गया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे सेट कर देंगे, अब ये पूरा भी के फॉर्मेट में आ गया, ये एक्स के फॉर्मेट में आ गया। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन का सारा रूल और फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि किस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे बनता है और उसका फॉर्मूला। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नए सम के साथ और एक नए वीडियो के साथ। आपने अपना समय देख के समय डोनेट किया है वीडियो देखने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच।